मुरादाबाद महानगर में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के साथ व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक और संगठन मुरादाबाद में तैयार हो चुका है। साथ ही व्यापारियों को एकजुट करने के साथ साथ उन्हें सम्मान देने के लिए भी संयुक्त उद्योग व्यापार संघ की एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ और व्यापारियों का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरादाबाद महानगर में रामगंगा विहार स्थित वेब मॉल में संयुक्त उद्योग व्यापार संघ की बैठक आयोजित कराएंगे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह बेदी द्वारा की गई। बैठक में समाज सेवी सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही जिला अध्यक्ष और कई पदों पर भी व्यापारियों को जिम्मेदारी देने के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान ये जानकारी दी गई कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ उनके हर संभव मदद करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ ने कहा कि हमको एकजुट होकर आगे बढ़ना है और हम सब अपने व्यापारी भाइयों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। यदि वो किसी समस्या में है तो हम उन समस्याओं का समाधान करें। इस संगठन से जोड़ा और बताया तो पहले दिन हम ना ये चर्चा हुई कि संगठन ने ये परिवार की तरह काम करेगा। संगठन तो ऐसे 500 संगठन है जो मुरादाबाद में ऑलरेडी चल रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ अपनी बात रख के चले जाते हैं। कहीं कहीं 10 मीटिंगों में से एक दो मीटिंग में आए चले गए। हमें ना तो मीटिंग करनी है, ना हमें एक संगठन की तरह चलाना, हमें इसे परिवार की तरह चलाना है। अगर रात बेरात कभी भी कोई दिक्कत किसी के साथ है, किसी के साथ कोई दुख सुख है, तो उसके साथ खड़ा होना है, व्यापारी के साथ खड़ा होना है। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से बेदी जी और मैं दोनों साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा तजुर्बा गुरमीत सिंह बेदी जी को है इस चीज़ का। और जब इन्होंने बनाया और उससे डिस्कस करा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बस मैंने बेदी जी से इतनी रिक्वेस्ट करी, इस संगठन को संगठन की तरह नहीं, एक परिवार की तरह चलाना। किसी व्यापारी की परेशानी हो तो ऐसा ना हो कि हम फ़ोन करें तो कोई आए ही ना। सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना है। किसी का दुख है, किसी का सुख है, तो सबके दुख सुख में हमें पहुँचना है, यही मेरा कहना है। और कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हों, उसका दुख बांटें, उसका सुख हो तो सुख बांटें, दुख हो तो दुख बांटें। बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी तो मेरे जो भाई हैं बेदी जी, उस संगठन को बढ़िया चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन हमने व्यापारियों को एकजुट करने के साथ और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया है। हमारा मकसद यही है कि मुरादाबाद जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश के व्यापारियों को एकजुट करें, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। मुरादाबाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर कई लोगों को जिले और प्रदेश की जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, साथ ही सम्मानित भी किया गया। हमारा मकसद यही है कि व्यापारी या फिर जिम्मेदारियों को समझे और एक दूसरे पर काम करें। व्यापारी एकजुट करने के साथ ही हम सब मिलकर आगे बढ़ें। व्यापार को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, सरकार से हमें कैसे व्यापारियों के लिए काम करवाने हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर प्रयास करेंगे। संयुक्त उद्योग व्यापार संगठन की बैठक थी, इसमें अनेक व्यापारियों की चर्चा हुई, कैसे हमें व्यापारियों को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। इसी बीच में हमारे संगठन में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाली जी, हमारे साथ महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री गुरप्रीत सिंह दुआ जी और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मयंक हंसराज जी और तमाम हमारे मंडल प्रभारी आशू सिक्का जी, ये भी हमारे साथ मजबूती देंगे पूरे व्यापार संगठन के। और इसी बीच में हमें सम्मान करते हुए हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं हरीश बशीन जी, इन्होंने भी इस व्यापार संगठन के साथ पूरा योगदान देने का काम किया है। हरीश बशीन जी ने हमारे अतिथि के रूप में और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के भी हम भी इनके संगठन के साथ जुड़ के मुरादाबाद के जितने भी संगठन हैं या उत्तर प्रदेश के जितने संगठन हैं सबको हम एक साथ लेके चलेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जितने व्यापार संगठन हैं वो भी जिंदाबाद, हम सबके साथ लेके चलेंगे ताकि अनेक शहर के व्यापारियों को हम सहयोग दे सकें, उनकी परेशानियों का हल दूर कर सकें। धन्यवाद।